दुनिया का सबसे मशहूर और आई कैचिंग फैशन इवेंट मेट गाला 6 मई को न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था। ये मई का सबसे पहला मंडे होता है, इसलिए उस दिन को मेट मंडे भी कहा जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि मेट गाला इवेंट का पूरा पर्पस क्या है? क्यों यहाँ सेलेब्स अतरंगी कपड़े पहनकर आते हैं? हर साल अतरंगी कपड़े पहनने का थीम कौन डिसाइड करता है और इस पूरे फैशन इवेंट को कौन ऑर्गेनाइज करता है? अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल हैं तो इस वीडियो में आपको उनका जवाब मिल जाएगा। हेलो, मैं हूँ सिमरन और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए आप स्विच को जरूर फॉलो कर लीजिए। फैशन शो का ये बड़ा इवेंट हर साल न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट्स कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट में ऑर्गेनाइज किया जाता है। बता दें कि यह न्यूयॉर्क सिटी के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए एक चैरिटेबल फैशन शो है। अगर बात करें मेट गाला की शुरुआत की, तो इसकी शुरुआत 1948 में सोसाइटी मिडनाइट सपर के रूप में हुई थी, लेकिन आज ये दुनिया भर में काफी मशहूर एंड वन ऑफ द प्रोमिनेंट इवेंट्स में से एक है। हिस्टोरियंस मानते हैं कि ह्यूमन सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट में फैशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और हिस्ट्री को पढ़ने और समझने के लिए भी फैशन एक बड़ा लिंक है। जैसे 1967 के मेट गाला में द ग्लोरी ऑफ रशियन कॉस्ट्यूम, द बूट्स ऑफ पीटर द ग्रेट और सिल्वर वेडिंग ड्रेस ऑफ कैथरीन एग्जीबिशन का पार्ट थे। यही नहीं, आइकॉनिक मूवीज के कॉस्ट्यूम्स भी मेट गाला इवेंट पर दर्शाए जाते हैं। इसी के साथ आइकॉनिक डिजाइनर्स को ट्रिब्यूट भी दिया जाता है उनके डिजाइन कपड़े पहनकर। जैसे 2023 के मेट गाला इवेंट में आइकॉनिक डिजाइनर कार्ल लागरफील्ड को ट्रिब्यूट दिया गया था। आपको फैंसी ड्रेस या थीम पार्टीज का कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा। जैसे अगर जंगल थीम की पार्टी होती है तो बच्चे एनिमल्स की कॉस्ट्यूम पहनकर जाते हैं। ठीक उसी तरह मेट गाला के इवेंट में भी अलग अलग थीम्स डिसाइड होते हैं। जैसे इस साल का थीम था स्लीपिंग ब्यूटीज रीअवेकनिंग फैशन और ड्रेस कोड था गार्डन ऑफ टाइम। इस थीम का मेन एम था नेचर को ट्रिब्यूट देना और इसलिए सारे सेलेब्स ने नेचर से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम्स पहने थे। जैसे भारत की आलिया भट्ट ने भी हैंडवर्क फ्लोरल साड़ी पहनी थी जिसे मशहूर डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी ने डिजाइन किया था। मेट गाला एक फंड रेजिंग इवेंट है। यहाँ की टिकट्स को बेचने के बाद जो पैसे मिलते हैं उसी से म्यूजियम और मेट गाला इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर मेट गाला इवेंट्स की टिकट की प्राइस क्या होती होगी। मेट गाला की टिकट की प्राइस $75,000 है। इंडियन करेंसी में ये अराउंड 62 लाख है और 10 सीट वाली टेबल की $350,000 यानी 2 करोड़ 92 लाख है। अब आप सोचेंगे कि इतने पैसे खर्च करने के बाद आखिर इवेंट में ऐसा होता क्या है। रेड कार्पेट और म्यूजियम की स्टेयर्स पर अपने मेट कॉस्ट्यूम का शोकेस करने के बाद सेलेब्स मेट गाला एग्जीबिशन का फर्स्ट लुक लेते हैं। जो आम जनता है उनके लिए अगले दिन ये म्यूजियम खुलता है। हर डिजाइन को सेलेब्स अच्छी तरह से देखते हैं। उसके बाद मीट एंड ग्रीट होता है जहां सब एक दूसरे से मिलते हैं। वहां सारे सेलेब्स होस्ट से भी मिलते हैं और उसके बाद डिनर होता है। हर साल के मेट गाला के होस्ट अलग होते हैं। जैसे इस साल के होस्ट थे हॉलीवुड एक्टर्स जेंडिया, जेनिफर लोपेस, क्रिस हेम्सवर्थ एंड सिंगर रैपर बैड बनी। मेट गाला भले ही दुनिया भर में काफी पहले से शुरू हो गया, लेकिन साल 2017 में भारत ने पहली बार इसमें डेब्यू किया। बता दें कि भारत की ओर से पहली बार प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण ने 2017 में मेट गाला के रेड कार्पेट पर अपना डेब्यू किया। बीते साल 2023 में आलिया भट्ट ने भी इस शो में अपना डेब्यू किया था और इस साल उन्होंने एक बार फिर से मेट गाला इवेंट पर अपनी झलक दिखाई एक फ्लोरल साड़ी पहनकर। ये थी मेट गाला से जुड़ी सारी जानकारी। इसके बावजूद अगर आपके मन में कोई भी सवाल उठ रहे होंगे तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और देखते रहें स्विच।